टेंट को ठीक करते हैं। अरे संभल कर चढ़ना भैया, हाँ गिर मत जाना, उस टेंट को थोड़ा ऊपर करो, ठीक से बांधो भाई। दिखते ही नहीं है। अरे बहुत सुंदर रंगोली बनाई है। अरे चौकी का वक्त हो चुका है, जल्दी जल्दी कारपेट बिछाओ। मंडली का सामान आ गया है, जल्दी शुरू करो। खुश रहो बिटिया। एक बात है बिटिया, हमारी दवा लाना तुम कभी नहीं भूलती हो। अरे अरे तू रहने दे, सब कुछ कर लूंगी मैं। तू जाके एक बार गरारे कर ले, अपने हुनर का प्रदर्शन इस तरह दिखाना आज, कल को तुम्हारे गुरु के नाम की तरह तुम्हारे भी चर्चे छप जाए चारों ओर। तू इन्हीं का भजन गाने वाली है ना? अब क्या गा रहा है, फिर होगा। देखो हम कन्फेटी बलून्स फ्लावर्स सब लेके आए, आपका गाना खत्म होते ही सब बजाएंगे ताली और हम करेंगे पार्टी। अरे अरे थपकी, ये क्या? तू हमको बिजली के झटके से बचाना चाहती है ना? लेकिन बिटिया आज ऐसे सुर लगाना कि तेरी आवाज का 440 वोल्ट का झटका यहाँ उपस्थित सभी लोगों को लग जाए और ये सारा माहौल जगमगा उठे। झटके तो हमें लगने वाले हैं, और गाने के बीच में ही इसका नेटवर्क चला गया तो चार डंडे से सीधा एक डंडे पे आ जाएगी और फिर हमें डंडे पड़ जाएंगे। देख थपकी, बड़ी मिन्नतों से ये मोहल्ले वालों ने हमें माधा की चौकी का काम दिया है, हो पाएगा तुझसे गा पाएगी? बरसों से माता की चौकी करते आ रहे, पहली बार थपकी को भजन गाने का मौका मिला है, क्यों डरा रही है इसे? तुम देखना आज अपना रास्ता खुद ही बनाएगी मेरी बांजी। हाँ, और उसी रास्ते की स्पीड ब्रेकर भी खुद आपकी बांजी ही बनेगी। देखिए अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो ऐड पेंट कर देंगे सब लोग, फिर काम नहीं मिला तो? अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी सुधा, बचपन से अपने में गुनगुनाती आ रही है मेरी थपकी, लेकिन आज के बाद उसकी आवाज पूरे ग्वालियर में गूंजेगी, है ना? आज तेरा दिन है बेटा, पूरा कॉन्फिडेंस रखना और याद रखना तेरे सर पर माता रानी का आशीर्वाद और तेरे गले में माँ सरस्वती का वास है। बहुत जल्द तेरी आवाज उन कानों तक पहुंचेगी जो उसकी कदर करे। कला और प्रतिभा की परख हो जिन्हें, वो आंखें तुझे ढूंढ ही लेगी, जो तुझे लेके आगे बढ़ेगा, सिर्फ आगे अपने लक्ष्य की ओर। मुझे पूरा विश्वास है बिटिया, माता रानी सब ठीक कर देगी। माता रानी की जय। टैलेंट होगा तो सही जगह पहुंच ही जाएगा शुक्ला जी। जल्दी जल्दी, क्या क्या अपॉइंटमेंट्स हैं? एयरकॉल कंपनी की सीईओ के साथ मीटिंग है और हंसिका मैम की रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्डिंग आगे पुश कर सकते हैं ना? सर लेकिन दोनों क्रैश हो जाएंगे। अजय पूरब सर बताइए ना, कब लॉन्च करोगे मंत्री जी के बेटे को, कैसा लगा उनका गाना? वेस्टेज ऑफ टाइम है शुक्ला जी, मिनिस्टर सर को बोलिए अपने सन को संसद में लॉन्च करें, ये आवाज वहां के लिए बनी है। एंड यूट्यूब, चीजें पुश करके टाइम बनाना आलस होता है, और उतने टाइम में सब कर लेना आर्ट। एक ऑल सी यू राइट। व्हाट्सअप
सुना है हमारे गानों की रिंगटोन बनाकर बड़ा पैसा छाप रहे हैं आप? हमें 3 मिनट के गाने के लिए आधे घंटे की रिहर्सल नहीं चाहिए। डायरेक्ट टेक। वन मोर गाइस, टेक इट फ्रॉम द टॉप। What is this, यापूरम? तुम मेरा गाना बिना सुने बस one more बोले जा रहे हो। तुम्हें पता है मुझ पर कितना प्रेशर है? तुम्हारी मॉम के गाए हुए भजन का रीमिक्स करना, it's not that easy। हंसिका, you know me since my college days। मैं हमेशा टाइम से रेस लगाता हूँ। मैं फोन और मेल्स में बिजी था, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा ध्यान तुम्हारे गाने पर नहीं था। You were not hitting the right notes। And you know me, मुझे सब परफेक्ट चाहिए होता है। करेक्ट। एक काम करो, इसे खाओ। And let's go for a take। पर मैं डाइट पर हूँ। दिख रहा है कितनी डाइट पे हो। What do you mean I'm looking fat? Anyway, अब अपना मूड ठीक करो and let's start the recording. And one more thing. कॉन्फिडेंस से गाओगी तो पद्मश्री वीना देवी जी के गाने के रीमिक्स को उनके ओरिजिनल के जितना प्यार मिलेगा। Let's go. Confidence. बोलो साचे दरबार की, बोलो साचे दरबार की, बोलो साचे दरबार की। आइए तो चौकी की शुरुआत करते हैं आज के पहले भजन से। माता रानी के आशीर्वाद से पहली बार स्तुति करने आ रही है मेरी बांजी थपकी। मटक मटक के आई है, अटक अटक के गाएगी। ये ले बेटा, तेरी माँ अब तेरे सामने है। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? हो गया, हो गया। अरे अब गा भी दो, इतने वैष्णो देवी पहुंच जाते। ए, गाने दो उसको। थपकी, तू टाइम ले, आराम से। बताओ, वीडियो बनने से पहले ही बफर हो रहा है। चक्री घूम रही है थपकी की, चक्री।
चल चल शर्त लगाते हैं, देखते हैं एक लाइन में कितनी बार अटकती है। और सुन, मेरी ओर से दो बार, कम से कम पांच बार रुकेगी, हजार हजार की लगा ले। चल लगा ले शर्त। मैंने ही सबका टाइम वेस्ट किया, आई एम सॉरी। अरे नहीं बेटा, चार शब्दों में दो बार अटकी। वाह थपकी, तेरी वजह से हजार रुपए जीत गया, ला दे। ये चिल्लर क्या ले रहा है? इंस्टॉलमेंट में बोलेगी तो इंस्टॉलमेंट पैसा मिलेगा ना। क्या असुर लगाए हमारी भांजी ने, भजन शुरू होने से पहले पूरे दरबार का दिल जीत लिया अपने हंसी ठिठोलों से, है ना? हाँ अच्छा हुआ ये बात वीणा देवी तक नहीं पहुंची, पता चले उनके भजन का भरथा बनाने के जुर्म में हम पर मान हानि का दावा लगा दिए। देना देना देना। मॉम, मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज तो हम हैं ना, हमने नाम की इज्जत रखी ना हमारी आवाज की। हमारे गाए इतने पुराने सुपर हिट भजन का रीमिक्स बनाकर तुम करना क्या चाहते हो पूरा? मॉम वो सब मैं आपको समझाता हूँ, आप एक बार सुन के देखिए। सात सुरों का गुनगुनाना और उनका ज्ञान होना दो अलग बातें, फर्क है दोनों में। हर सारे गामा बोलने वाला सिंगर नहीं होता। तोता भी कर सकता है वो काम। मॉम हंसिका में टैलेंट है। डिलीट। तुम्हारे दोस्त है इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी माँ की पीठ पर चढ़कर उसकी तरक्की का रास्ता बनाओगे। हमने दिन रात मेहनत की है, शिक्षा प्राप्त की है, तब जाके इस मकाम पर पहुंचे इस उम्र में। हमारे गाए गानों का ऐसा भद्दा मजाक दोबारा नहीं बनना चाहिए पूरब। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, निर्गुण और न्यारे, निर्गुण और न्यारे, निर्गुण और न्यारे, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे। सुना आपने? ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, निर्गुण और न्यारे, निर्गुण और न्यारे। अभी कैसे पानी कितना बह रहा है, वो आज मंदिर में मेरे सामने बहुत, मैं आपको बताए वहां सब लोग मंदिर में
मैं कब कब अटकूंगी, कब रुकूंगी। उस पर सब लोग चट लगा रहे थे, सब लोग हंस रहे थे मुझ पर। वहां मैं तो इतनी प्रैक्टिस करती हूँ, फिर भी मैं हमेशा लोगों के सामने क्यों हक शाबाश थपकी, तो हिम्मत मत हारना, बाकी सब हार जा। हमारे घर की इज्जत, हमारा नाम, हमारा काम, सब कुछ लुटा देना इस दुनिया पे, बस अपनी हिम्मत बनाए रखना। हमें जीवन आज माता की चौकी का पूरा पेमेंट तो छोड़ो, एडवांस तक शर्मा जी वापस मांगने आए थे, जैसे तैसे करके उन्हें निपटा है। तुम मौ बेटी मिलकर जिस तरह से हमारे घर का बैलेंस बिगाड़ के रखा है, ठीक उसी तरह आज हमारे बैंक का बैलेंस भी हिल गया होता। मामी जी, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मुझसे गलती। गलती तुझसे नहीं हुई है तबकी, गलती तो मुझसे हुई है जो तेरी माँ को इस घर में घुसने दिया। प्लीज माँ को तुम माँ बेटी इस घर में आटे की बोरी की तरह पड़ी हो, बोरी खोल के देखा तो क्या निकला, चूना। हमारे घर की खाती हो, हमसे मांग के काम करती हो, कभी अपने दम पर दो पैसा कमा कर इस घर में लाई हो कि मामी जी ये लो, आपके हम पर बहुत एहसान है, धीरे धीरे करके चुका दूंगी, पर नहीं, एक माँ जो बोलती ही नहीं है और एक बेटी जो आधा पौना बोलती है। मेरी मति मारी गई थी जो रिश्तेदारी के चक्कर में तुझे और तेरी इस नाजायज बेटी को इस घर में घुसने दिया। मामी जी, आप प्लीज मुझे चुप, एकदम चुप। मुझसे माफी मांगने से पहले अपनी माँ से जाकर पूछ। गवारी होके पता नहीं किसके साथ मुंह काला किया था। जौमावस के चांद की तरह उसे छोड़कर भाग गया और साथ में उसकी आवाज भी लेकर चला गया, और तेरे गले में रुक रुक के चलने वाली मोटर फिट हो गई। पता नहीं अब वो किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहा होगा। नबके जा जाकर ढूंढ उस आदमी को, और अगर वो मिल जाए ना तो उसी के साथ रहना। भगवान के लिए अपनी रुक रुक के चलने वाली मोटर लेकर इस घर में दोबारा कभी मत आना। मामी की बात का क्यों बुरा मान रहे हो? मामी तो गुस्से में ऐसे ही रिएक्ट करती है ना। इधर देखो, हम मामी को चेंज नहीं कर सकते, पर हम अपना मूड तो चेंज कर सकते हैं ना। तुम्हारा फेवरेट सीरियल देखे?
पापा। आपने हम दोनों को क्यों छोड़ दिया? क्या हुआ बेटा? रिकॉर्डिंग हो गई ना? तुम्हारे दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी माँ की पीठ पर चढ़कर उसकी तरक्की का रास्ता बनाओगे। शरीर के कि ढूंढते ढूंढते भारत दर्शन हो जाएगा। कभी थक भी जाया करो दादी। आ गया तू, बस ये सीन खत्म हो जाए। रात को अजीब अजीब सपने नहीं आते खून खराबे वाले टीवी शोज देख के? अरे सास बहू वाला सीरियल नहीं है, वेब सीरीज है। वेब सारे जवान लोग आजकल यही देखते। Why not? मेरी दादी भी तो जवान है। हाँ तो अभी 81 हूँ। अच्छा फिर तो आपके लिए लड़का देखना पड़ेगा। घर पे जवान कुमारी लड़की बैठी है भाई, सेटल कब होगी? अगर तू ऐसा करेगा ना तो स्वर्ग से तेरे दादाजी आके उस लड़के की आंखें नोच लेंगे। चल मैं तेरा इंतजार कर रही थी, बहुत भूख लग रही है, खाना खा लेते। आप भी बाकी लोगों के साथ खा लेती ना खाना दादी, आपको पता है मैं लेट हो जाता हूँ। और तुझे तो पता है सब एक साथ नहीं खा सकते, तो किसी एक के साथ खाना जरूरी है। कितना ऑयल है खाने में, पूरा ऑयल का टेस्ट आ रहा है। अपना टेस्ट बदल कर देखिए, शायद आपको पसंद आ जाए। जिस तरह तुम हमारे गाने का चेहरा बदल रहे थे। बिना खाने के समय नहीं। अम्मा सिखाने दीजिए ना पूरब, हर पुरानी चीज बेकार नहीं होती, थोड़ी सी मरम्मत की जाए तो अपने अनुभव से नए से भी बेहतर हो सकती है। मैं भी तो वही कर रहा था, पुराने को आज के हिसाब से बेटर। बेटर नहीं बदतर। और बात खाली रिमिक्स की नहीं है, आवाज और सुरों की नॉलेज ये नींव होती है किसी भी सिंगर की। हंसिका की आवाज में वो बात नहीं है। हमारे गाने को अपनी आवाज में गाकर वो बड़ी होगी, हमारी कंपनी नहीं, हम नहीं। माँ प्लीज। माँ आप भी बाकी लेजेंड्स की तरह ही ग्रेट हैं। रफी साहब, किशोर दास, सबके गानों के रिमिक्स बने हैं और हिट भी हुए हैं, लोगों ने पसंद भी किए, कोई नहीं भूला, आपको भी नहीं भूलेंगे। थोड़ा बड़ा सोचिए। हमें जो सोचना था हमने सोच लिया है। कंपनी में नई सिंगर आएगी तो उसकी आवाज से लेकर उसके गायकी के स्टाइल पर फोकस होना चाहिए। हमारे सुपर हिट गानों और भजनों को तोड़ मरोड़ कर नया बनाने वाली नहीं चाहिए। पांच मिनट 12 सेकंड। हाँ हम दोनों के बीच की आज तक की सबसे लंबी बात। इससे पहले जब मैं हॉस्टल जा रहा था तब कुछ 3.5 मिनट बात की थी आपने मुझसे। कॉन्ग्रेचुलेशन मां, आप इस उम्र में भी नए रिकॉर्ड्स बना रही हैं। अरे कहाँ चले गए थे तुम दोनों माँ बेटी? समोसे ठंडे हो गए, बहादुर की दुकान से लेके आया था, माँ के आने से पहले आ खा लेते हैं। अरे समोसे क्यों? तेरी आज के अचीवमेंट पर मेरी तरफ से ट्रीट। मेरे फेल होने की ट्रीट? अरे ट्रीट कोशिश की है बेटा, तेरा आलाप सुनते ही मेरे तो कण कण में पत्ती फूट रही थी, है ना?
अच्छा ये सब छोड़िए, मुझे लगता है समोसे बहुत अच्छे हैं माँ, देखो। आज जो गाना अधूरा रह गया है उसे पूरा कर। अधूरे को पूरा करने जाएगी बुआ तो शाम से सुबह हो जाएगी, 5G के जमाने में 2G पे चलती है ये। क्या 2G? 5G से याद आया, तूने मेरा रिचार्ज नहीं करवाया ना। ए हट हट, क्या कर? थपकी बेटा मैं क्या कह रहा था, ये सब छोड़, रिचार्ज विचार्ज हो जाएगा, तू गाना गा और अपना मूड रिचार्ज कर, चल 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 जा जा। अरे थकना नहीं है बेटा। थकते नहीं हो तुम दोनों। वीना ना तू गलत है ना पूरब, पूरब भी यही चाहता है कि हमारी कंपनी आगे बढ़े, इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहा है। और तू देख जब से पूरब ने हमारी कंपनी ज्वाइन की है हम लोगों को कितना मुनाफा हुआ। हम समझते हैं अम्मा, लेकिन अपनी विरासत को इस तरह कमजोर पड़ते नहीं देख सकते। हम रिटायर होना चाहते हैं मगर हमारी उत्तराधिकारी में हमारी जैसी खूबियां और संगीत की समझ होनी चाहिए, कुछ करने की जिद होनी चाहिए। मामा जी मेरा मन नहीं है गाने का, आज मंदिर में आपने देख, माँ बोलो ना। डॉक्टर ने बोला है तू सिर्फ लोगों के सामने नहीं गा सकती, कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है, बाकी टैलेंट तो कूट कूट के भरा है मेरी भांजी ने। इसे चाहिए एक थपकी प्यार की। पत्तों पे बारिशें ठहरी हुई है, थप थपा दो चल पड़े, रस्तों पे ख्वाहिशें रुकी सी है, पंख दे दो उड़ पड़े, रुक रुक के थोड़ी निकलती है बातें, छुप छुप के फिर भी सब कहती है आंखें, और ख्वाब है कि ना रुकते जरा से, प्यारी है सबकी। कोशिशें रंग उन्हीं की लाती हैं जिन्हें कला के सही मायने पता हो, जब वो गाए तो कंठ से मोती बरसे। माँ सरस्वती का आशीर्वाद सुनाए दे। सात सुरों से बनी सरगम जब उसके मुंह से निकले सुनने वाले को यहां कुछ महसूस हो। ऐसी सिंगर चाहिए हमें, वो और हम साथ आए तो अलग होकर भी एक सी सुनाई दे। ऐसी आवाज, ऐसी क्षमता रखने वाली ही बन सकती है हमारी उत्तराधिकारी। वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश। अच्छा गाया ना मैंने? एक नंबर। अब देखना जब तक मैं अपनी गुरु श्रीमती वीना देवी जैसी नहीं बन जाती मैं हार नहीं मानूंगी। हार से डरने वाली हीरे जैसी स्तुति नहीं बना सकती। जिस दिन वो हमें मिल जाएगी ना हम खुद तराशेंगे उसे और खुशी खुशी अपनी जगह सौंप देंगे। कला के क्षेत्र में एक गायिका बनाकर और इस घर में हमारी बहू बनाकर।